स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आपको मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये पढ़ाई पे ध्यान लगाना पॉसिबल हो पाएगा। फिर आप किसी भी कोर्स में स्ट्रगल करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, पढ़ाई में मन ना लगना, टेंशन या डिप्रेशन में होना, स्टडी में कमज़ोर होने की वजह क्या है, स्टडी कैसे करें, ध्यान केंद्रित करने का तरीका, इतनी चीज़ों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मुझे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए और आपके लिए है। इसमें आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। बस शर्त इतनी है, बताई हुई चीज़ों को सुनने के बाद उन पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दें, फिर आप 100% कॉन्सेंट्रेट स्टडी पे कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए पहले से आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं हूं शेख, मेरे साथ आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, इसके पीछे का रीजन्स क्या है या फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आइए कुछ ट्रिक के बारे में जानते हैं। नंबर 1, गोल सेटिंग। जी हाँ, इसका मतलब है लक्ष्य की स्थापना। आपको सबसे पहले एक गोल टारगेट बनाना है। आपको गोल बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो जान लीजिए कि इसके बिना इम्पोर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव जॉब्स ने स्टडी ना छोड़ी होती तो लोग 1970 में माइक्रो कंप्यूटर ना देख पाते, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के बारे में ना सोचा होता तो आज सबके घर में बल्ब शायद ही जलते। आपको पता नहीं होगा कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो ट्रस्ट करिए, आप ठीक से रीडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान मुंबई जाने की सोचेगा तभी वो मुंबई जा पाएगा। अगर उसको पता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है तो वो किसी भी रास्ते पर चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उसे। ये सब सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनका गोल स्पेसिफिक और स्ट्रांग था। सो अगर आपको भी सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो अभी सोचिए कि आपको स्टडी क्यों करनी है, स्टडी करके क्या करना है, ये चीज़ क्लियर करिए, फिर आप अपने टारगेट को बहुत स्ट्रांग बना दो। स्ट्रांग का मतलब है कभी हार ना मानना, या तो सीखना या जीतना। अगर आप दिल से कोई काम करना चाहते हैं और उस पर फोकस करें तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, पॉजिटिव माइंड। इसका मतलब है सकारात्मक विचार। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, सोचें कि यस, मेरा गोल पूरा करने के लिए पूरे दिल से मेहनत करूँगा, मतलब मन लगा के पढ़ाई करना। कभी किसी की बातों में मत आइए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझसे होता ही नहीं है। ऐसे एक्सक्यूजेस कभी मत बनाएं, सिर्फ खुद को ये पूछें कि कैसे होगा। जवाब आपको उसके कुछ ही मिनट्स में मिल जाएंगे, या फिर जब तक नहीं मिलता ये काम कैसे होगा या ये कैसे होगा, ऐसा थिंकिंग रखें। कुछ लोग होते हैं जो आपका बुरा सोचते हैं, वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकते हैं। आप अनसक्सेसफुल हो जाए इसलिए मोटिवेट ना करने के बजाय दूसरी बातें करेंगे, जैसे पढ़ाई करके क्या मिलता है, आजकल बेरोज़गारी ज़्यादा है सो पढ़ के क्या फ़ायदा, टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़ नहीं सकते, काम करने के लिए ही बने हैं, ETC, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाएंगे। खुद को इतना मोटिवेटेड रखो कि कोई आपके अंदर नेगेटिविटी ना घुसा पाए। नंबर 3, रिमूव फेयर। इसका मतलब है डर को दूर करें। आपको फेल, कम मार्क्स और याद ना रहने का डर है तो डोंट वरी, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो और बोलो आई कैन डू इट, यस मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। जब भी डर आता है मिरर के सामने खुद को खड़ा करके बोलो आई विल नेवर गिव, मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए बिन जरूरी चीज़ों का सैक्रिफाइस करूँगा। नंबर 4, स्टडी में इंटरेस्ट। इसका मतलब है अध्ययन में रुचि। आपका गोल स्पेसिफिक और स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली गोल रिलेटेड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे। इंसान वो काम करता है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो।
क्रिकेट के खिलाड़ी को अगर फुटबॉल खेलने के लिए कहोगे तो वो नहीं खेलेगा, या फिर खेलता भी है तो बेटर तरीके से नहीं। सो पहले तो स्टडी में इंटरेस्टेड बने, तभी आप अपना गोल हासिल कर पाएंगे। नंबर 5, मोबाइल को ज़रूरत से ज़्यादा यूज ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल की वजह से 80% स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो आज से ही ये सोच लें कि मोबाइल का कम यूज करेंगे और पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देंगे। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल आपके पास में होगा तो यूज करने का दिल करेगा। सो हो सके तो उसको किसी और जगह या फिर फैमिली मेंबर को ये बोल के दे सकते हैं कि इतने बजे तक मुझे मोबाइल मत देना, अगर किसी का कॉल आता है तो देना। आप मोबाइल का ज़्यादा यूज करते हैं तो कॉन्फर्म है कि आपको ये जान के दुख हुआ होगा, पर करे भी तो क्या, आखिर आपकी लाइफ है और उसे बेटर बनाने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप etc. का ज़्यादा यूज कभी भी ना करें। अगर यूज करने की हैबिट बन गई है तो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कम ऑनलाइन रहने की कोशिश करें। जैसे आप 10 घंटे ऑन रहते थे तो 8 घंटे, फिर 7 घंटे, ऐसे करके कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को तुरंत नहीं भुलाया जा सकता, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। नंबर 6, डिप्रेशन और टेंशन में मत रहें। डिप्रेशन या टेंशन वार्ड सुन के सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि किसी की लाइफ में ये दोनों चीज़ कैसे आ सकती है। आंसर में हम पर्सन और चीज़ का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इंसान इन दोनों चीज़ों की वजह से परेशान हो जाता है। पर्सन में देखने जाए तो लव मैटर, ब्रेकअप, किसी फ्रेंड का बात ना करना, सोशल मीडिया पे सामने वाले से ब्लॉक हो जाना, फैमिली एंड रिलेटिव्स प्रॉब्लम्स etc. और चीज़ में किसी चीज़ के खो जाने पर दुख या कोई चीज़ हासिल ना कर पाने पर टेंशन। आप लाइफ में किसी भी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले जाओ, प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आती है, बस उसके साथ लड़ना सीख लेना चाहिए। सो उठो और टेंशन नाम की चीज़ का बैंड बजा लो। कौन कहता है कि आप टेंशन या डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। कीप इट अप गाइज, लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आप अभी हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। कीप इट अप, प्रॉब्लम्स को समझो और उनसे कुछ सीखो, क्योंकि गुड एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। डिप्रेशन और टेंशन जैसी चीज़ों को पास रख के आपका ही बड़ा लॉस होने वाला है। सो डिसीजन आपके हाथ में है कि टेंशन में रह के लाइफ बर्बाद करनी है या ज़िंदगी के साथ लड़ के जीतना है। नंबर 7, रीड इन ए क्विट प्लेस। इसका मतलब है शांत प्लेस पर पढ़ें। आप घर और पब्लिक प्लेसेस पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर तब कर सकते हैं जब शोर यानी नॉइस ना हो। क्लासरूम में अगर ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। घर में टीवी चल रहा हो तब वहाँ बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, क्योंकि आप अपना ध्यान टीवी में लगा दोगे। ऐसी चीज़ जो आपकी पढ़ाई में रुकावट बन सकती है, उससे दूर रहें। आप गार्डन या घर की छत पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पढ़ें जहाँ ज़्यादा लोग ना आए, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़ाई करने के लिए नाइट और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है। वैसे मेहनत ज़्यादा करनी है तो किसी भी टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। आप विलेज में रहते हैं और आपके घर के पास खुली जगह है जहाँ आवाज़ नहीं होती, तो मेरी राय है आप वहीं पढ़ाई करें। नंबर 8, एक्शन ऑन स्टडी। इसका मतलब है अध्ययन पर कार्रवाई। आपने गोल सेटिंग कर लिया और पॉजिटिव भी है, पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस बोलते रहते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, बट सच में देखने जाए तो वो उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं और नतीजा बहुत ईयर निकल चुके हुए होते हैं। एक्सक्यूजेस बनाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। स्टडी पे तुरंत एक्शन ले, कभी ऐसा ना सोचे कि थोड़ी देर बाद स्टडी करता हूँ या कल। ऐसा सोच के आप अपने आप को अनजाने में अनसक्सेसफुल पर्सन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मन पढ़ाई से भटक जाए तो बोलो राइट नाउ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी काम तुरंत करने की आदत डालो। याद रहे आपको एवरीडे स्टडी करने की हैबिट डालनी है।
पढ़ाई करते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करें, फिर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगेगा। नंबर 9, कलेक्ट ऑल स्टडी मटेरियल। जब पढ़ाई कर रहे हो तब सारी चीज़ें साथ लेके बैठें, ताकि आपको बीच बीच में उठ के कोई चीज़ ढूंढने और ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। नंबर 10, लेस ड्रिंकिंग वाटर। पानी का बोतल साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। नंबर 11, यूज स्टडी लैम्प। घर में स्टडी लैम्प है तो उसका यूज करें, अदरवाइज ये इतना ज़रूरी नहीं है। नंबर 12, विंडो के पास बैठकर पढ़ाई ना करें, इससे आपका ध्यान कहीं और भटक सकता है। एंड अगर कॉन्सेंट्रेट पावर थोड़ा ज़्यादा है तो खुली हवा में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 13, हो सके तो घर की चीज़ें अपने पास ना रखें, वो सब दूसरी जगह ही रखें, जैसे कि रिमोट ETC, सो आपको फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नंबर 14, स्टॉप थिंकिंग ऑफ अदर। आपका फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड क्या कर रहे होंगे ETC के बारे में सोचना बंद करें। नंबर 15, ज़्यादा मत खाएं और खाली पेट भी मत रहें। नंबर 16, घर का या कोई और काम हो तो पहले उस काम को कंप्लीट कर लें, फिर पढ़ाई करें, वरना कॉन्सेंट्रेट का फालूदा बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा, और स्टडीज के 16 ट्रिक के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन या मेरे बताए हुए एडवाइस आपको गलत या अच्छी लगी, कृपया कुछ सेकंड का टाइम निकाल के आपका वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट तो बनता है बस, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर।